हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कवरिंग इंडिया। आज के वीडियो में हम तोस विलेज और तोस वाटरफॉल को कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तोस जाते हुए रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल पड़ता है। ये तोस वाटरफॉल नहीं है, ये दूसरा वाटरफॉल है, वो आगे वीडियो में आएगा। कसोल से तोस विलेज की दूरी 20 किलोमीटर है और इसको कवर करने में हमें 1 घंटा का समय लग गया था। ऑल्दो रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई है बरसानी विलेज तक, उसके बाद थोड़ी सी ख़राब है तोस तक। और देखिए, हम तोस पहुंचने वाले हैं और आपको ऊपर हिल्स देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। जून के मंथ में भी आपको स्नो कवर्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे। और गांव में पहुंचते ही सबसे पहले मुझे एक छोटा सा वाटरफॉल दिखता है। मुझे लगा शायद यही तोस वाटरफॉल होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये भी तोस वाटरफॉल नहीं है और इस वाटरफॉल तक जाने का शायद कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि ये काफ़ी गहरी खाई में वाटरफॉल बना हुआ था। इस गांव में स्टे के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको हर बजट में गेस्ट हाउस होम स्टे मिल जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया चलो सबसे पहले होम स्टे देखते हैं, उसके बाद वाटरफॉल का ट्रैक शुरू करते हैं। ऐसे खूबसूरत नज़ारे तो आपको गांव में देखने को मिलेंगे ही, इसके साथ साथ आप गांव में ट्रेडिशनल घर, वहाँ के मंदिर और बहुत कुछ देख सकते हो। स्टे का ऑप्शन तो आपको विलेज शुरू होते ही दिखने लगेगा, लेकिन हमने डिसाइड किया कि थोड़ा ऊंचाई पे लेते हैं होम स्टे, क्योंकि जितना ऊंचाई पे हम जाएंगे उतने अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। गांव में वैसे तो बहुत सारे मॉडर्न स्टाइल में घर बन गए हैं, लेकिन अभी भी आपको यहां का जो ट्रेडिशनल स्टाइल है घर बनाने का, उसमें भी बहुत सारे घर देखने को मिलेंगे। यहाँ का मंदिर आपको उसी स्टाइल में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी हम चल रहे हैं अपने होम स्टे की तलाश में और देखते हैं वो तलाश कहाँ जाके ख़त्म होती है। वाटरफॉल की ट्रैकिंग तो बाद में शुरू होगी, अभी तो होम स्टे ढूंढना भी एक ट्रैकिंग करने के बराबर ही है। यहाँ के कैफेज को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, एक रेस्टोरेंट रास्ते में दिखा था हमको, और इसमें केवल इजरायली फूड मिल रहा था। हम लोग गए थे कुछ खाने पीने के लिए, तो बताया उन्होंने कि यहाँ पे केवल इजरायली फूड ही मिलेगा, हमको तो पराठे खाने थे। चलिए पहले खाना पीना बाद में करेंगे, सबसे पहले हम होम स्टे बुक कर लेते हैं। अप्रॉक्स 30 मिनट की क्लाइम के बाद हमने शिवा पावर नाम का एक होटल बुक किया। ये होटल टॉप एंड से थोड़ा पहले था, लेकिन यहाँ से भी नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। अगर आप देखोगे नीचे पूरा गांव दिख रहा है, अब आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हम कितना हाइट पे आ गए हैं, हमारा होटल कितनी ऊंचाई पे है। खैर जो भी है, अभी हमको एक बार ट्रैक के लिए नीचे उतरना है, फिर ऊपर आना है होटल में चढ़ के, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर नीचे जाना है, देखते हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं कुटला और जो वाटरफॉल है तो उसमें उसके ट्रैक पे। हमारे होटल थोड़ा काफ़ी ऊंचाई पे ले लिया हमने और ये देखिए रास्ता देखो, और यहाँ से व्यू देखिए आप। हाँ, ब्लॉगिंग करने मज़ा तो आ रहा है, क्योंकि व्यू जितना अच्छा है यहाँ का, पूरा बर्फ़ दिख रही है, संभल गया ना, रास्ता बिल्कुल पतला सा है। इसी रास्ते से चढ़ के अभी हम ऊपर आए होटल के लिए, हमने सोचा आपको लौटते टाइम ही दिखाते हैं रास्ता। और बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं अभी भी, मैक्सिमम लोग यही कोशिश होती है कि ऊपर से ऊपर होटल लिया जाए, जिससे बढ़िया से बढ़िया व्यू देखने को मिले। वैसे तो यहाँ का ट्रैक कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, थोड़ा चढ़ाई होटल तक की मुश्किल थी, लेकिन अगर आप नीचे ही कहीं स्टे ले लेते हो तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि फिर तो आपको खाली प्लेन में नीचे वाटरफॉल तक जाना है और फिर वाटरफॉल से प्लेन में ही वापस आ जाना है। क्योंकि हमने होटल ही हाइट पे ले लिया, तो उसकी वजह से हमारी ट्रैकिंग थोड़ी सी बढ़ गई या थोड़ी सी टफ कह सकते हो। वैसे तो ये ट्रैकिंग, इसको ट्रैकिंग कहेंगे भी नहीं, ये तो एक टाइप का हाइकिंग हो गया। 1-2 किलोमीटर का चलना है कहीं पर, तो ट्रैकिंग से क्या ही बोलेंगे। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं वैसे, और लग रहा है मैक्सिमम लोगों को ऊपर ही जाके होटल लेना है।
ये देखिए आगे पूरा झुंड सा आ रहा है लोगों का, और हिल्स पे भाई साहब लोग ट्रॉली बैग लेके आए हैं। आई थिंक हिल्स पे लोगों को प्रेफर करना चाहिए कि जितना अच्छा रहे पिट्ठू बैग ही बेस्ट है। अगर आप बैग पैक लेके आते हो तो आपको कैरी करने में ईजी रहेगा, अदरवाइज ट्रॉली आप प्लेन के लिए रखिए। ऐसे जहाँ जाते हैं राजस्थान घूमने आते हैं, MP घूमने जाते हैं, जहाँ पे इतने हिल्स नहीं हैं वहाँ के लिए ट्रॉली सही है। देखिए यहाँ पे कितनी सीढ़ियाँ हैं। अब यहाँ पे ट्रॉली बैग कैसे चढ़ाएगा कोई, कितना मुश्किल काम है। बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता है, उनको लगता है कि शायद प्लेन सी जगह होगी या इतनी सीढ़ियाँ नहीं होंगी। वो तो जब कहीं पहुँचो तो आइडिया लगता है कि वो जगह कैसी है। तो उस प्लेस तो वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा साफ़ सफाई की कमी दिखी। आप देख सकते हो कितनी गंदगी गांव में है, अदरवाइज जगह तो बहुत ही अच्छी आने लायक है। यहाँ के कैफेज इस विलेज की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। चलिए पानी भर लिया जाए रास्ते के लिए, क्योंकि ट्रैक करते टाइम प्यास बहुत लगती है। पूरे कसोल ट्रिप पे हमने कहीं भी पानी नहीं खरीदा, बस में हमको जो वाटर बोतल मिला था उसी को हम रिफिल करते रहे। और ये सामने आप देखिए गांव का मंदिर है। बाकी जगहों की तरह यहाँ पे भी मंदिर को छूना मना था, मंदिर में अंदर जाना मना था बाहरी लोगों के लिए। वो देखो जो दिख रहा है ब्लू ग्रीन वाली बिल्डिंग, वहाँ पे मेरा होटल है। 20 से 25 ट्रैकर्स का एक ग्रुप आगे पूरा एक बीक के ट्रैक पर कहीं जा रहा है। आई थिंक कुटला बिल से भी आगे जाके कोई ग्लेशियर या खैर कोई लेक पड़ता है, वहाँ पे जा रहे हैं लोग। उन्होंने नाम तो बताया था हमें, लेकिन अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे देखिए एक डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ है कि कौन सी जगह किस साइड में है, और साथ में एक छोटा सा कैफे बना हुआ है काफ़ी खूबसूरत सा। जब तक हम गांव के आउटर एंड पे नहीं पहुँचेंगे तब तक हमको ये सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी। कहीं हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे और कहीं सीढ़ियों से ट्रैक करके नीचे आएंगे। और ये फाइनली हम गांव को पार करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं, और ये हमको दोबारा से ट्रैकर्स का ग्रुप मिला हुआ है जो शायद उसी ग्लेशियर या लेक के पास जा रहा है। ये देखो यहाँ पहाड़ों पर भी गेहूँ का खेत है और हम लोग यहाँ प्लेन में तो गेहूँ मार्च अप्रैल में कट जाती है, यहाँ पे अब जाके जून में ये गेहूँ पकी है थोड़ा सा, और अभी कटने लायक हुआ भी नहीं फसल। आई थिंक अभी एक महीना लगेगा इसको, और 15-20 दिन ऑलमोस्ट लग ही जाएगा फसल कटने में। चलो थोड़ा डाउन स्टेप आ रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स है बॉडी को, और हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, ट्रैक करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। इधर देखिए नीचे देखो कितना अच्छा व्यू है। ये एक कोई प्रोजेक्ट लग रहा है, मुझे लग रहा है कोई बांध या कोई बनाया गया है, शायद बिजली परियोजना है। और वहाँ देखिए वाटरफॉल। यहाँ का जो डायरेक्शन बोर्ड है वो मिनट्स में लिखे हुए हैं, और अभी हमको वाटरफॉल के लिए 30 मिनट और चलना है। देखो यहाँ पे शायद पीच का पेड़ है शायद, या आडू का किसी का तो है। इसके बगल में आप देखिए ये एप्पल का पेड़ लगा हुआ है। हम लोग यहाँ पे आ गए, कैफे में रुक गए, भूख सी लग रही थी तो सोचा कुछ खा ही लेते हैं मैगी सैगी। हाँ भाई पहले पेट पूजा फिर ट्रैकिंग कोई बात नहीं। ये एक छोटा सा कैफे टाइप का बना रखा है, लेकिन ये पेड़ देखो यार कितना बड़ा सा पेड़ बना हुआ है यहाँ पे। इस शॉप का नाम बिग ट्री कैफे है, और इसका नाम आप देख ही सकते हो क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा अखरोट का पेड़ है। ये हमको यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले भैया ने बताया कि ये अखरोट का पेड़ है। अब इसके फल जो थे कच्चे थे तो हमको आइडिया नहीं लगा। ये देखो भैया पहाड़ों पे आ जाओ आओ और मैगी ना खाओ, तो पहाड़ों पे आने का मज़ा ही बेकार है। क्यों कलर भाई मैगी कैसी लगी? सौरभ भाई तो अभी टेस्टी नहीं किए होंगे, वीडियो आने लगे हैं। चलो फिर लेते हैं मैगी का मज़ा। फाइनली हम वाटरफॉल
पहुंचने वाले हैं। ये देखो रास्ता कैसे है यहाँ का, हल्का सा पैर स्लिप करेगा ना तो आदमी नीचे पहुंच जाएगा सीधे। आराम से आना भाई, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी गिराओगे देखा कहा ही था गिरोगे भी। कैलाश भाई का पैर स्लिप कर गया बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, कह रही यहाँ का रास्ता ही कुछ ऐसा है कि कोई भी स्लिप कर सकता है, तो हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसा ह्यूमन नेचर है कि जब कोई गिर पड़ता है तो आदमी को हंसी आ ही जाती है। स्लिप करने वाला है। आपको पानी बहने की आवाज़ बैकग्राउंड में आई रही होगी, तो चलिए सबसे पहले आपको वाटरफॉल का एक नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ का वाटरफॉल बहुत ह्यूज तो नहीं है, लेकिन हाँ एंजॉय करने के लिए इनफ बड़ा है। और देखिए आपको थोड़ा बहुत नज़ारा दिख रहा होगा, लोग यहाँ पर खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं वाटरफॉल को, कुछ लोग भी उतर भी रहे हैं धीमे धीमे। तो सबसे पहले हम लोग भी नीचे उतर लेते हैं आराम से, उसके बाद आगे वीडियो में बात करते हैं कि कैसी जगह है और क्या है, आप खुद ही देख लोगे। जगह तो काफ़ी अच्छी सी है, जैसे पिकनिक टाइप की जगह नहीं होती है उस टाइप की जगह है। आराम से यहाँ पर खाने पीने का आइटम लेके आओ, मस्त बैठ के एंजॉय करो शाम तक। वाटरफॉल पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, उसका रीज़न ये है कि अगर किसी जगह आपको ट्रैक पे जाना पड़ता हो तो बहुत से लोग वहाँ प्रेफर नहीं करते आने के लिए, बहुत से लोग जा ही नहीं पाते हैं, बहुत लोगों को ट्रैकिंग पसंद ही नहीं होती है। आ जाओ भाई सौरभ कैलाश, जल्दी नीचे आओ। जाएगा भाई शाम हो गई है और हम लोग वाटरफॉल का ट्रैक करके वापस आ गए। कुटला विलेज तक नहीं जा पाए क्योंकि अंधेरा होने लगा था, तो हम वापस आ गए और यहाँ पे आके एक देव ढाबा करके हैं और यहाँ पे भूख लग गई तो सोचा कुछ खा पी लेते हैं, तो हमने ऑर्डर किया है मोमोज। देखिए थोड़ा डिफरेंट है यहाँ का मोमोज, और ये है चाय। काफ़ी देर तक हम यहाँ बैठे रहे और इस ढलती हुई शाम को हमने एंजॉय किया। उसके बाद हम अपने होटल आ गए और ये होटल का रेस्टोरेंट वाला एरिया है जो कि काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, रात में लाइटिंग में बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। डिनर करने के बाद हम लोग अपने रूम में आ गए और बहुत ही अच्छी नींद आई क्योंकि सब लोग थके हुए थे ट्रैकिंग करके। फाइनली हम लोग जा रहे हैं, अब कहाँ से जा रहे हैं तो उससे, और ये हमारा शिवा पावर कैफे था जो बहुत अच्छा। सौरभ भाई तो कैमरे में हाय हेलो कर दो देख के चलो चलो चलते रहो फिर चलते हैं भाई। अब हमारा अगला पड़ाव होगा मणिकरण का और हम मणिकरण घूमते हुए शाम को दिल्ली के लिए बस ले लेंगे, तो भाई चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आने के लिए रास्ता देखो कितना खतरनाक था, लेकिन कहते हैं ना रास्ता जितना खतरनाक होता है मंजिल उतनी खूबसूरत होती है, तो हम अपनी दोस्त विलेज की खूबसूरत सी मंजिल को घूमने के बाद वापस वही दिल्ली जाएंगे। यहाँ ठंडे ठंडे माहौल से गर्मा गर्म माहौल में। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला पड़ाव हमारा होगा मणिकरण गुरुद्वारा का, जिसमें मैं मणिकरण गुरुद्वारा
वहाँ का फेमस शिव मंदिर और जो बगल में मार्केट है उसको कवर करूँगा। तो दोस्तों चैनल में बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। आप यूं ही मस्त रहें, स्वस्थ रहें और घूमते रहें।